मैं डॉक्टर सीमा ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट जेनेटिक एंड फीटल डायग्नोसिस फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली। मैं वुमेन्स डे के ओकेजन पर आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। वुमेन्स डे जनरली सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द वुमेन एंड टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी। मेरे लिए वुमेन्स डे का महत्व एज अ जेनेटिक एंड फीटल एक्सपर्ट इज फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट इन द फील्ड ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्थ में वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा कि सबको पता है कि वुमेन आर द एक्सिस ऑफ द फैमिली एंड देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द फैमिली। सो एज अ जेनेटिक एंड फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कैसे एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। इसके लिए 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि ऑल प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड एंड द एज ऑफ द प्लानिंग इज आइडियल एज एट द प्लानिंग इज 25-30 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज़ कि 25-30 वर्ष की अवस्था में आदमी को अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर देनी चाहिए। दूसरा है कि प्री प्रेगनेंसी हर प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए 400 माइक्रोग्राम टू 1 मिलीग्राम इन द लो रिस्क वुमेन जिनको कि कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और 5 मिलीग्राम इन दोज वुमेन जिनको कि कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या कंजेनेटल कार्डियक मैलफॉर्मेशन है। थर्ड स्टेप है कि प्रेगनेंसी से पहले जो भी किसी वुमेन को कोई भी बीमारी है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब का ट्रीटमेंट या कंट्रोल हो जाना चाहिए। और अगर कोई वुमेन किसी दवा को ले रही है तो उस दवा की सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी असेस्ड बिफोर द प्रेगनेंसी, और अगर वो सेफ ड्रग नहीं है तो उसको चेंज करना चाहिए। देन बिफोर प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शंस लाइक रुबेला एंड चिकन पॉक्स शुड बी डन अलॉन्ग विद द स्क्रीनिंग फॉर द कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलेसीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इन सब की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए सो दैट कि हम इनका प्रिवेंशन कर सकें। जिन वुमेन को फैमिली हिस्ट्री है ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जेनेटिक डिसऑर्डर, और या जिनके फैमिली में कंसैंग्युनिटी है या कज़न मैरिजेस हैं, इन फैमिलीज़ को आइडियली हम लोगों से प्री प्रेगनेंसी अवस्था में कॉन्टैक्ट करना चाहिए सो दैट कि हम जो इंडेक्स केस है या जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी वर्कअप कर सकें। एंड ऑल दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज द मैटरनल एंड फीटल आउटकम, मदर और बच्चे की जो आउटकम है वो इम्प्रूव कर सकें, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। थैंक यू एवरीवन।